एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपडेट फ्रॉम प्रगति। में मैं हूँ प्रगति। नॉर्मली हमारे घरों में जो प्लांट्स होता है, जो सूख जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको निकाल के फेंक देते हैं। बट इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। मेरी बालकनी में एक प्लांट था जो बिल्कुल सूख चुका था। आज मैं आपको उसी को रीयूज करना बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं मैं इसको कैसे रीयूज करती हूँ। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे पास एक ये प्लांट था जो बिल्कुल सूख गया था। आज मैं इसको रीयूज करना बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं ये वाटर कलर। मैंने लाइट ग्रीन कलर का वाटर कलर यूज़ कर रही हूँ। इससे हम पूरे इस पॉट को पेंट कर लेंगे। नॉर्मली हम लोग घर में क्या करते हैं, जब कोई प्लांट सूख जाता है तो उसको निकाल कर फेंक देते हैं। पर इस वीडियो को देखने के बाद आप सूखे हुए प्लांट को कभी नहीं फेंकेंगे। ये जो पॉट आपको दिख रहा है, ये प्लास्टिक बॉटल का है। इसे मैंने प्लास्टिक बॉटल को कट करके बनाया है। देखिए, अभी हमारा ग्रीन कलर का पेंट हो चुका है। तब तक ये ड्राई हो रहा है, तो हम इसकी जो ऊपर की स्टिक्स हैं, जो सूख चुकी हैं, डंडियां हैं, इनमें हम ब्राउन कलर का पेंट कर लेंगे, जिससे कि ये और हाईलाइट हो। पेंट का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मैं इसको ड्राई होने के लिए रख दूंगी। जब ये सूख जाएगा बिल्कुल, तो मैं इसके लिए कुछ चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास कीरिंग था जिसमें से ये निकल गए थे, टूट गए थे। ये कुछ प्लास्टिक के फ्लावर्स हैं और ये मेरे पास मल्टी कलर्स के पॉम पॉम हैं। और मैं इसमें येलो कलर की वूल का भी यूज़ करूँगी। फ्लावर पॉट को डेकोरेट करने के लिए हम इन सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं इनका यूज़ मैं कैसे करने वाली हूँ। इन आर्टिफिशियल फ्लावर्स को मैं इन डंडियों में लगा दूँगी। जहाँ जहाँ पर भी मुझे स्पेस लगेगा या जहाँ पर भी ये ठीक लगेंगे लगाने के बाद, उनको मैं वहाँ पर लगा दूँगी। अगर आपके पास भी कोई इस टाइप का सूखा हुआ प्लांट है, उसको आप अपने अकॉर्डिंगली डेकोरेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं जैसे कि मैं डेकोरेट कर रही हूँ, आप थोड़ा बहुत चेंजेस करके उसको डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे मेरे आगे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसका फाइनल लुक देखने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।